नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज अगेन एन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. इमेजिन होल्डिंग टू आइडेंटिकल ब्रिक्स अंडर वाटर. आप पानी के अंदर उन दो ईंटों को ले गए. ब्रिक्स ए, ब्रिक ए इज कंप्लीटली सबमर्ज जस्ट बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल ब्रिक बी इज एट अ ग्रेटर डेप्थ. यानी कि एक थोड़ा सा सर्फेस के पास ही है और एक नीचे की तरफ है. टू होल्ड द ब्रिक बी इन प्लेस सेम एज दैट ऑफ मैग्नीट्यूड टू होल्ड ब्रिक इन ए इन प्लेस राइट. तो भाई देखिए, क्योंकि क्या है कि जो बायोनिक फोर्स लगना है वो उस उन ब्रिक्स के वॉल्यूम पर डिपेंड करने वाला है. ठीक है, उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वाटर को डिस्प्लेस किया है. तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम में नीचे की तरफ जा चुके हैं, इसीलिए क्या होगा, दोनों को सेम फोर्स उसके ऊपर लगने वाला है. द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोनिक फोर्स ऑन अ ब्रिक इज कंप्लीटली समझ वाटर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द वॉटर. एब्सोल्यूटली राइट. सो एसर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ऑल्सो. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन यहां पर भी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं. ठीक है,